जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बाबा भोलेनाथ और माँ काली कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, मैं यही कामना करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि माँ काली की जब सवारी आती है तो आप उसे कैसे पहचानेंगे कि ये माँ काली की ही सवारी है, क्योंकि कई बार नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। जब भी माँ काली की सवारी आती है तो ऐसे नहीं आ जाती कि आपने पूजा करी और माँ काली की सवारी आ गई। माँ काली की जब सवारी आती है तो उनके साथ नकारात्मक ऊर्जाएं भी चलती हैं। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही ऐसा चल रहा है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो माँ काली का ही रूप लेकर चौकी भरती हैं, भोग ग्रहण करती हैं। और जब भी माँ काली की सवारी आती है वो कभी भी भोग जो है वो आपसे नहीं मांगेंगी। सवारी आने पर वो भोग कभी नहीं मांगेंगी। वो ये नहीं कहेंगी कि मुझे बलि चाहिए या मुझे बकरा चाहिए या मुझे शराब पीनी है, आप मुझे इसका भोग दो तो मैं ये काम करूँगी, अगर तुमने मुझे ये भोग नहीं दिया तो तुम्हारा ये काम नहीं होगा। ऐसा माँ काली की सवारी कभी नहीं बोलती है। ये नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं जो माँ काली का रूप लेकर भक्त के शरीर में जब आती हैं तो भक्त ये सोचता है कि मेरे ऊपर माँ खेल रही है, पर ऐसा नहीं होता है। ये नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं जो माँ का रूप लेके भोग ग्रहण करती हैं। वही आती हैं जब नकारात्मक ऊर्जा जब आती है तो वो भोग मांगती है और भोग पर ही चलेगी। वो कभी बोलेगी मुझे मुर्गे की भेंट चढ़ाओ तो मैं तुम्हारा ये काम करूँगी, कभी बोलेगी मुझे शराब का भोग चढ़ाओ तब मैं ये काम करूँगी। ये सब नकारात्मक ऊर्जाएँ करती हैं। सकारात्मक ऊर्जा कभी भी नहीं करती ऐसा। माँ काली की जब सवारी आती है वो कभी भोग नहीं मांगती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा इसी तरह से ही तो अपनी शक्ति को प्रबल करेगी। किसी के शरीर में जब वो प्रवेश कर जाती है तो उसको फिर भोजन कैसे मिलेगा? जब किसी को ये पता लग जाएगा कि ये तो नकारात्मक ऊर्जा है तो वो उसको क्यों खाना देंगे, क्यों उसको भोग देंगे? वो तो उसको हटाने के लिए उपाय करेंगे ना। तो इसलिए वो अपना रूप बदल कर ये कहती हैं कि मैं तो माँ काली हूँ, मुझे तुम भोग दो, मुझे तुम ये चढ़ाओ मैं तुम्हारा ये कर दूंगी, मुझे तुम ये चढ़ाओ मैं तुम्हारे घर में पास पैसों की बारिश कर दूंगी, तुम मुझे भोग चढ़ाओ तभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगता है और ना अपने भक्तों से कुछ मांगता है। हम जब भी भगवान के जो घर पे जाते हैं तो हम उनसे लेने जाते हैं, देने नहीं जाते हैं। और जो भी हम भेंट चढ़ाते हैं वो उनका ही होता है जो हम अपनी श्रद्धा से भेंट चढ़ा के आते हैं, चाहे हम 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएं या हम 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएं। उसमें भगवान आके हमें ये नहीं कहता कि 11 रुपए का लड्डू चढ़ाओ मुझे, आकर मंगलवार को आओ और मुझे 11 रुपए की बूंदी चढ़ाओ। कभी भी भगवान यही नहीं बोलता होगा। ये सभी को पता है, जब कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी वो ही भोग मांगेगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। कभी भी माँ काली या किसी भी देवी या देवता की सवारी आती है वो भोग नहीं मांगती है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जो भी जानकारी दी जा रही है वो पूरी तरह से और पूरी प्राप्त हो, ताकि आपको सब पता लग सके कि सवारी और नकारात्मक ऊर्जा में क्या अंतर होता है। सवारी कभी भी भोग नहीं मांगती, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सवारी भाव पे चलती है। जैसे हमारे भाव होते हैं सवारी वैसे चलती है, सवारी कभी भोग पे नहीं चलती है। नकारात्मक ऊर्जाएं आके अपनी पूजा कराती हैं, हमारे शरीर में स्थान लेकर पूजा कराती हैं, भोग ग्रहण करती हैं, तभी तो वो रहती हैं, तभी उनका जीवन चलेगा ना आगे। जिस जीवन में, जिस जोनी में वो चली गई हैं, उनको खाने के लिए कोई नहीं देगा। धोखे से ही वो खाना खाती हैं, धोखे से ही भोग लेती हैं। माँ काली का रूप ले लेंगी, जीभ निकालेंगी, सर घुमाएंगी, जो भी माँ काली की चौकी में होता है सब करेंगी, और अंत में क्या करेंगी, मुझे भोग दो तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, मैं तुम्हारे परिवार में सब ठीक कर दूंगी। ये नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण हैं अगर चौकी के रूप में वो आ रही हैं तो। किसी पर सवारी अगर खेल रही है वो सकारात्मक है ये ऊर्जा, आप इस तरह से पता लगाएं।
जिस तरह से इस वीडियो में बताया जा रहा है। माँ काली की सवारी के लक्षण ये होते हैं कि जब माँ काली आती है अपने धाम से आती हैं, अपनी जो सखी संबंधी हैं उनके हैं वहाँ पर, जैसे हनुमान जी हो गए जिनके साथ वो रहती हैं, भैरव बाबा हो गए, योगिनियाँ हो गई माँ की, जो भी उनके साथ रह रहे होंगे वहाँ पर धाम में, उनका जयकारा लगाती हुई आएंगी, वो भोले बाबा का जयकारा लगाएंगी। जैसे ही माँ की चौकी आती है वो अपने धाम का जयकारा लगाती है। जैसे माँ कालका अगर कलकत्ता से आ रही हैं तो वो जयकारा कलकत्ता वाली मैया का ही लगाएंगी, जयकारा माँ काली का, जय माँ कलकत्ते वाली का, वो इस तरह से जयकारा लगाएंगी। अगर दिल्ली वाली माँ आ रही हैं तो वो ये जयकारा लगाएंगी, जय हो दिल्ली वाली कालका माई का, जय हो भैरव बाबा का, जय हो वीर बजरंगी की, क्योंकि वीर बजरंगी के बिना माता कभी नहीं चलती, अगवानी में माँ के वीर बजरंगी ही चलते हैं। पहले वीर बजरंगी का जयकारा होता है, बिना वीर बजरंगी के माँ कभी नहीं आती हैं। बिना धाम के जयकारे के आप ये कभी मत सोचिए कि ये सकारात्मक ऊर्जा है, माँ अपने धाम का जयकारा लगाते हुए ही आएगी। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि कभी भी माँ बिना जयकारे के नहीं आती हैं। भैरव बाबा साथ आएंगे, बजरंगी साथ आएगा, तब माँ चलती हैं अपने धाम से। माँ से पहले तो बजरंगी आ जाते हैं जब सवारी आनी होती है, तो अगर किसी पे सवारी खेलनी है तो बजरंगी पहले आ जाएंगे, माँ आती हैं पीछे पीछे बजरंगी के, और उनके पीछे भैरव बाबा चलते हैं। ये निशानी होती है माँ की, जब माँ की चौकी आती है तो जयकारा लगा के आती है। इस बात का आप ध्यान रखिए, नकारात्मक ऊर्जा कभी जयकारा नहीं लगाएगी। और अगर आपको इससे भी प्रबल पता करना है कि माँ की शक्ति है या नहीं है, तो आप किसी गिलास में पानी लीजिए, उसको चक्कू से काट दीजिए और उसको चौकी में बोलिए कि ये जल पी लीजिए। कभी भी नकारात्मक ऊर्जा चक्कू से कटा हुआ जल नहीं पिएगी। अगर उसको चक्कू से काट कर हम जल पिलाते हैं तो वो कभी नहीं पिएगी नकारात्मक ऊर्जा। या आप हाथ में जल लेकर माँ के मंत्र का जाप करके उसको बोलिए कि जल पी लो, कभी नहीं पिएगी। अगर वो जल वो पी लेती है तो वो सकारात्मक ऊर्जा है, वो धाम का जयकारा जरूर लगाएगी, अन्यथा वो जल कभी नहीं पिएगी। इस बात का आप ध्यान रखिए कि माँ की चौकी और नकारात्मक ऊर्जा में ये अंतर होता है। हमेशा माँ वीर बजरंगी और भैरव बाबा के साथ चलती हैं। चौकी जब भी आएगी जयकारा का लगाते हुए, धाम का जयकारा लगाते हुए आएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। अगर कोई जानकारी अच्छी ना लगे या कोई आपका सुझाव हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।